स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब यहां पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रहे अभिषेक गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अभिषेक गुर्जर भी खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जैसे कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ उसमें भी इन्होंने कहा कि 2017 में भी वह टिकट की लाइन में थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट की लाइन में थे, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से इनको टिकट नहीं मिला। इस बार भी यह उपचुनाव में प्रत्याशी बनना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते इन्होंने पार्टी से अलविदा हो गए और अलग हो गए पार्टी से। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद छोटा भाई जी। अभिषेक जी, आप राष्ट्रीय लोकदल में लंबे समय तक काम करते रहे, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले आप राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं टिकट को लेकर नाराजगी आपकी थी, लेकिन मदन भैया आपके सजातीय भी हैं, तो क्या नाराजगी ऐसी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमने ज्वाइन किया था 8 साल पहले ज्वाइन किया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अजय सिंह जी थे और जैन जी से बैठ के बात हुई कि आप सब लोगों को, आपके समाज को, आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके बाद हमने सोचा कि 2013 के बाद हमने पार्टी की मदद करने का काम किया। 15 में 17 में चुनाव नहीं लड़ाया, कोई बात नहीं, हमने पार्टी को ताकत दी। 22 में चुनाव नहीं लड़ाया, ठीक है, गठबंधन का मामला था और गठबंधन में, चूंकि गठबंधन दबाव होता है, कहीं समझौते करने पड़ते हैं, तो उन समझौतों से हमने समझौता किया और हमने कहा कि पार्टी को ताकत मिलनी चाहिए। हमने पूरी ईमानदारी के साथ, हमें चुनाव की जिम्मेदारी मिली जेवर विधानसभा की और जेवर विधानसभा में अवतार सिंह भड़ाना जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। उसके बाद वर्तमान में 2022 जब निकाय चुनाव सिर पे हैं और निकाय चुनाव की जिम्मेदारी हम पे थी, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में गया जी। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में भी अगर हम लोग लोकल के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे सम्मानित 3 साथी, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सम्मानित संजय राठी जी हैं, दूसरे साथी हैं, उन लोगों को भी मीटिंग करा ली गई हमसे कह के, बड़ी बड़ी मीटिंगें करा कर। उसी दिन रात को हमारे सम्मानित साथी संजय राठी के तो जो कार्यकर्ता थे घर तक भी नहीं पहुंचे थे और ट्वीट करके एक जानकारी दे देगी कि भारी को चुनाव लड़ा दिया गया, उसी का लोगों में आक्रोश है। मदन भैया के टिकट का ऐलान हुआ, आपने रिट्वीट किया और उसमें लिखा कि फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन साथियों के साथ निर्णय करेंगे, उसके बाद आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से कोई वार्ता हुई? देखिए, जब निर्णय एक तरफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ले लिया, हमने वो 3 दिन का समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसलिए दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करें सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से सम्मान करें, बातचीत होगी तो कुछ निर्णय निकलेगा। पर सम्मानित जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नीचे के लोग हैं, सेकंड पंक्ति के लोग हैं, उन्होंने समझा ही नहीं कि किसी को भी सम्मान दिया जाए, किसी से बात की जाए, और इसी कारण से हमें निर्णय लेना पड़ा। यानी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई नाराजगी नहीं, जयंत चौधरी से जो दूसरी पंक्ति के लोग हैं उन्होंने? देखिए, निर्णय पार्टी का है और पार्टी के निर्णय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी संज्ञान लेना चाहिए था, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कार्यकर्ताओं को इस तरह अनादर शोषण करेंगे आप कहने के बाद, उन पार्टी के लोकल लोगों को ताकत नहीं देंगे, तो इस तरह कैसे संभव है? मदन भैया प्रत्याशी हैं, सजाती हैं आपके, गुर्जर जाति से हैं, तो किस तरह से चुनाव उनका आप देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब आप मदद करेंगे? देखिए, मदन भैया जी हैं, मदन भैया सजाती हैं, सब चीज़ें हैं, पर आप मुजफ्फरनगर की एक समझिए कि मुजफ्फरनगर की जो विधानसभा है, मुजफ्फरनगर जनपद एक प्यार मोहब्बत का जिला है, यहाँ पर कोई आपराधिक किस्म के व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है, यहाँ पर सब लोग साधारणतः सब सामान्य परिवार के लोग राजनीति करते हैं, ये बबलू भाई हैं, सब लोग जितने प्रधान हमारे सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये अपने दम पर चुनाव जीत के आते हैं और हमारे यहाँ प्रधान गाँव का प्रथम व्यक्ति होता है, उसके बाद सादगी से परिपूर्ण है, इनके साथ दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। ये जो परम्परा है एक आदमी के साथ 20-30 गन्नाधारी लेने का, बंदूकधारी चलने का, ये पूरब में है। हमारे यहाँ अगर 5-4 बंदूकधारी आदमी लेके चले तो उस आदमी किल्स हैं, हमारे यहाँ राजी नहीं होते। तो हमारे यहाँ सादगी, ये आपके प्रमुख साहब बैठे हमारे सामने, सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो यहाँ सादगी से आप कुछ भी कर सकते हो, पर जो ड्रामेबाजी है, बंदूकधारी गन्नाधारी, हमारे यहाँ नहीं चलती। आपने कहा कि बाहुबली उम्मीदवार उतार दिया, मुजफ्फरनगर में तो सब बाहुबली हैं। अरे, बाहुबली की बात करें, नरेश मोतला प्रमुख साहब हमारे सामने बैठे हैं, अपने आप में बाहुबली हैं, इनसे आज तुम हर क्षेत्र में मजबूत है। ये प्रधान जितने बैठे, ये छोटा भाई बैठा, वो सोबीर प्रधान जी बैठे, तुलसीपुर के प्रधान है, ये सारे बाहुबली हैं। बताओ किस चीज़ से, ये 24 घंटे किसी चीज़ से डरते नहीं, ये हर चीज़ में बाहुबली। रात को यहाँ मुजफ्फरनगर का नाम ही काफ़ी है भाई, बाहुबली मुजफ्फरनगर से, अगर जिस कोने से ये चल के आ रहे, जिस जगह की ये बात कर रहे कि जी अपराध 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 में इन पर 50 मुकदमे, कोई चोरी का है, कोई डकैती का है, कोई अपहरण का है, कोई किसी चीज़ का है, पर मुजफ्फरनगर को ये क्राइम कैपिटल है, मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल से नाम से जानते थे जितने ही बाहुबली हैं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमारे मुजफ्फरनगर हर गली
हर मोहल्ले में बाहुबली पड़े, ये जितने बाहुबली जो मेरे प्रधान बैठे सामने, जो क्या नाम है अपना प्रधान, उसका बाहपुर के प्रधान बैठा, ये बाहुबली है, जो हर जाति के आदमी इसके साथ है। तो यहाँ बाहुबली को कोई कमी नहीं। ये छोटा भाई बबलू है ककराड़े का प्रधान, क्या बाहुबली बताओ, देखियो डोले सोले मजबूत, क्या कमी इनमें। तो यहाँ मुजफ्फरनगर की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जाति में, दो जातियों में नहीं, हर जाति का आदमी या किसान है। यहाँ सैनीपाल, कश्यप, प्रजापति, दलित और वाल्मीकि भी किसान हैं, और यहाँ हर किसान वाल्मीकि, हर किसान जो है वो बाहुबली है, उसकी रगों में दम है। और वो यहाँ पर इस चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत शामिल करेगी, और इस बाहुबली को मैं आज लिख के रख लिया, 30,000 वोटों से चुनाव हराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यानी पिछले चुनाव से भी अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 31,000 वोट से चुनाव जीती थी, उसके बाद 17,000 से दोबारा चुनाव हम यहाँ चुनाव जीते हैं। आज मैं आपको आश्वस्त करता चाहता हूँ, GTV के चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लड़ाई हमारे जितने संबंधित प्रधान बैठे हैं और संबंधित सर्व समाज के लोग बैठे हैं, लड़ाई जीत के नहीं है। लड़ाई ये है कि जो अंतर है पिछली बार 17,000 का था, उसको कैसे 34,000 का करना है। 34,000 से जीतने के लिए रणनीति हम लोग बनाएंगे, जीत तो हम लोग रहे हैं। यानी मदन भैया 34,000 से हारेंगे लगभग। राष्ट्रीय लोकदल बुरी तरह चुनाव हारेगा, और जो कार्यकर्ता का शोषण हनन किया जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल का, यहाँ पर इस चुनाव में पता लग जाएगा। बाहरी को चुनाव लड़ने का निर्णय पता लगेगा, और इन्हें इस तरह का पश्चाताप होगा जब हमारे सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। और जैसे राष्ट्रीय लोकदल की सोच है कि रानी के पेट से राजा पैदा हो, उस व्यवस्था को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, आदरणीय योगी जी ने किया है, उसी तरह यहाँ पर जो भारी प्रत्याशी हमारे बीच में, भारी मतों से चुनाव हराने का काम सर्व समाज के लोग करेंगे। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए हैं कल से ही, अभिषेक गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी खतौली विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीन से नेता तैयार करती है, और राष्ट्रीय लोकदल पर इन्होंने आरोप भी लगाया कि अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज